नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी के नंबर वन चॉइस गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य के बारे में। हम बात करेंगे अरिंदम भट्टाचार्य क्यों मैच नहीं खेल रहे हैं और क्यों बेंच में भी अवेलेबल नहीं थे केरला ब्लास्टर एफसी के खिलाफ। तो फुल डिटेल्स में मैं बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नए और साथ ही पुराने सब्सक्राइबर्स को भी। और साथ ही दोस्तों, अभी YouTube दिखा रहा है कि 73% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मात्र 26% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो माफ़ी चाहता हूँ इतना समय लेने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने एटीके मोहन बगान एफसी के नंबर वन चॉइस गोलकीपर को साइन कराया था इस सीज़न। तो अरिंदम भट्टाचार्य से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद था एससी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, अरिंदम भट्टाचार्य से जैसे उम्मीद था मैनेजमेंट को, वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, उनको इंजरी भी इस सीज़न बहुत ज़्यादा हुआ है और ऑफ फॉर्म भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं दोस्तों अरिंदम भट्टाचार्य। और दोस्तों, अभी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि केरला ब्लास्टर एफसी मैच में अरिंदम भट्टाचार्य बेंच में भी क्यों नहीं थे, और उससे पहले उड़ीसा एफसी के मैच में बेंच में तो थे लेकिन प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिला था। और बहुत बड़ा सवाल कि अरिंदम भट्टाचार्य को फर्स्ट चॉइस गोलकीपर साइन कराया था एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने, तो वो क्यों प्लेइंग 11 में अपना जगह पक्का नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, खबर मिल रहा है मेरे को कि अरिंदम भट्टाचार्य को प्रैक्टिस के दौरान हल्का इंजरी हुआ है, जिसके वजह से केरला ब्लास्टर एफसी के मैच में अरिंदम भट्टाचार्य बेंच में मौजूद नहीं थे। और उससे पहले भी उड़ीसा एफसी के मैच में हमने अरिंदम भट्टाचार्य को खेलते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, अरिंदम भट्टाचार्य को इंजरी हुआ है ऐसा खबर मिल रहा है, और इसीलिए दोस्तों केरला ब्लास्टर एफसी मैच में अरिंदम भट्टाचार्य मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों, ये इंजरी सुना जा रहा है कि अरिंदम भट्टाचार्य को काफ़ी दिनों से है। एटीके मोहन बगान एफसी के खिलाफ पहला डर्बी मैच में उनको इंजरी हुआ था, और वही इंजरी दोस्तों सुना जा रहा है कि अरिंदम भट्टाचार्य को परेशान कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।